आज की कक्षा में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो कितने प्रकार के होते हैं। आइए उस पर हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये चार तरह के होते हैं। पहला होगा इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो, दूसरा होगा वर्किंग पोर्टफोलियो, तीसरा शोकेस पोर्टफोलियो और चौथा आर्काइवल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। चलिए इस पर हम नजर डालते हैं कि इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो क्या होता है। इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो, ठीक है, देखते हैं कि ये क्या होता है। इसके तहत बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए बच्चे टीचर क्या देते हैं, काम देते हैं बच्चों को। तो किस तरह के कार्य देंगे, इंक्लूड वर्क्स। इसमें क्या होता है, क्या इंक्लूडेड होता है, वर्क्स, बच्चों को दिया गया काम। जैसे हो गया राइटिंग, ठीक है, रीडिंग, ब्लॉक्स लिखने के लिए भी दिया जा सकता है, और चेकलिस्ट हो सकता है, चेकलिस्ट, और इसके तहत हो सकता है टेस्ट का डेटा होगा, टेस्ट का डेटा एक्सेट्रा। अर्थात इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो में टीचर जो कुछ भी काम दिए हैं, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग, ब्लॉक्स, चेकलिस्ट होता है टीचर के पास, टेस्ट डेटा रहता है, ये सारा चीज क्या टीचर के पास सुरक्षित रहता है, ताकि वो बच्चे का बेहतर मूल्यांकन कर सके, ठीक है। राइटिंग से संबंधित पोर्टफोलियो रहता है, रीडिंग से संबंधित रहता है, ब्लॉक्स राइटिंग से रहता है, उन टीचर के पास चेकलिस्ट रहता है, और टेस्ट जितने भी लिए हैं सारे का डेटा टीचर के पास इस पोर्टफोलियो के तहत सुरक्षित रहता है, जो कि किस काम में आता है, मूल्यांकन हेतु ये सहयोग में आता है। तो इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो क्या हुआ, इसके तहत बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए कुछ आंकड़े सुरक्षित रहते हैं, जो रीडिंग से संबंधित रहते हैं, राइटिंग से संबंधित रहते हैं, बच्चे की जितनी परीक्षाएं दी गई उनसे संबंधित रहते हैं। तो इससे टीचर को क्या होता है, बच्चों को मूल्यांकन करने में सरलता होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा पोर्टफोलियो क्या है, वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है। दूसरा क्या है, वर्किंग पोर्टफोलियो, नाम से ही स्पष्ट है, पोर्टफोलियो नाम से स्पष्ट है कि ये कार्यशील पोर्टफोलियो, यानी बच्चे को टीचर जो भी काम दिए हैं वो कैसा चल रहा है, उसकी प्रगति कैसी है, ठीक है, बच्चे का काम समाप्त हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, स्टूडेंट्स के थॉट्स रहते हैं, इसमें थॉट्स रहते हैं, आइडियाज रहते हैं, ठीक। इसके तहत बच्चों से संबंधित ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी जानकारी टीचर के पास रहती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वर्क कैसा चल रहा है, बच्चे कैसा काम कर रहे हैं, काम की प्रगति कैसी है, ये सारा कुछ क्या होता है, इस पोर्टफोलियो में रहता है, यानी लर्निंग प्रोसेस सही हो रहा है या नहीं, इससे संबंधित जानकारी वर्किंग पोर्टफोलियो में रहती है, ठीक है। बच्चे जब काम करते हैं तो उनका काम कैसा चल रहा है, उसकी प्रगति कैसी है, इसकी जानकारी इसमें रहती है, वर्किंग पोर्टफोलियो में, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा, शोकेस पोर्टफोलियो, शोकेस पोर्टफोलियो,
इसमें क्या होता है, बेस्ट वर्क, बेस्ट वर्क ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का सबसे बेहतर कार्य, इस पोर्टफोलियो के तहत क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क यहां पर रहता है। अर्थात शोकेस पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे के द्वारा जो कार्य सबसे बेहतर है उसे सुरक्षित रखा जाता है। यानी बच्चों का जो कार्य दिया गया था, जो असाइनमेंट दिया गया था, वो कैसे किए हैं, इसके तहत वो सुरक्षित रहता है। सोके पोर्टफोलियो के तहत बच्चे का फाइनल वर्क सुरक्षित रखा जाता है, उन्होंने कैसा काम किया है। ठीक है, चलिए और हम लास्ट वाला देख लेते हैं, पोर्टफोलियो क्या है, अर्काइवल पोर्टफोलियो, अर्काइवल। चौथा क्या है, अर्काइवल, अर्काइवल पोर्टफोलियो। ठीक है, अर्काइवल पोर्टफोलियो यहां पर क्या होता है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों को क्या काम देना है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर रखा जाता है और क्या काम देना है बच्चों को, वर्क जो नेक्स्ट ईयर देना है, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वर्क गिवेन टू स्टूडेंट्स। एक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर बच्चों को क्या देना है, उनकी प्रगति के आधार पर ये सारा कुछ क्या होता है, अर्काइवल पोर्टफोलियो में रहता है। मतलब एक बार बच्चे ने जो दिया गया काम है वो कंप्लीट करके टीचर के पास जमा कर देते हैं, अर्थात एक साल के तहत वो सारा काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों को क्या कार्य दिया जाना है वो अर्काइवल पोर्टफोलियो में सुरक्षित रखा जाता है। और ये उनकी प्रगति और विकास के अनुसार, उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।